वाले के प्रति मैं खुद प्रभावित इसलिए हूँ कि मैं आपको एक ट्विटर, इनका ट्विटर का जो प्रोफाइल इन्होंने लिखा है वो पढ़ के बताता हूँ। और ये अभी नहीं लिखा है, राहुल गांधी का विरोध करने के बाद 2014 में हम इलेक्शन का काउंटिंग के समय मिले थे, आपको याद होगा, तब मैंने कहा था कि आपका ट्विटर का जो प्रोफाइल है मुझे बड़ा पसंद है। इन्होंने लिखा है, बाकी तो बड़ी लंबी चीज़ है लेकिन जो मेन चीज़ है वो इन्होंने लिखी है कि रिलीजन इस्लाम है, कल्चर हिंदू है और आइडियोलॉजी इंडियन है। हमें भारत के उन मुसलमानों से दिक्कत है जो लोग अपने आप को भारत के कल्चर से तोड़ते हैं, और इसलिए जोड़ने वाले लोगों से मैं हमेशा साथ रहा हूं। आपका मैं आभारी हूं कि आपने ये जो चीज़ लिखी, राहुल गांधी का डायनेसिटी का परिवारवाद का विरोध करके आपने जितना बड़ा काम किया उससे बड़ा काम ये आपका ट्विटर प्रोफाइल है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो डायनेस्टी पे जो मैंने सवाल उठाया है, मैंने प्रेरणा ये महाभारत से ली। ठीक है, जिस दिन मैंने पहला पत्र लिखा डायनेस्टी का राहुल जी को और वो बाहर नहीं आया था, तो मैंने उससे पहले अपना कुरान पढ़ा था, उसमें लिखा है सत्य के रास्ते पे चलो, ये तो हर धर्म में लिखा है। पर मेरी कलम जो है पॉइंट बना रहा था, गिर गई नीचे, मैं वो कलम उठाने गया तो मेरे पास ये महाभारत की कॉपी मेरे पूरे रैक में रखी हुई लाइब्रेरी के, तो उसमें मैंने ये मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैंने इसको उठाया। और फिर इसमें जो गीता का चैप्टर है जिसमें कि श्री कृष्ण वो अर्जुन को कहते हैं जब वो तीर नीचे करता है कि अर्जुन तुम क्या कर रहे हो, तुम क्षत्रिय धर्म निभाओ, अधर्म के खिलाफ लड़ो। तो अब लोग कहने लगेंगे कि महाभारत वेदा ये धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये मेरे भारत के ग्रंथ है। और सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत है, और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा लेने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसी सांस्कृतिक विरासत का मैंने यहाँ पे भी हवाला दिया है। मेरी विरासत सांस्कृतिक रूप से अगर देखी जाए तो भारतीय है, और मेरा राष्ट्र धर्म भी भारतीय है, और हाँ इस्लाम मेरा जो रिलीजन है इसको कोई पूजा पद्धति नहीं कर सकता, वो पूजा पद्धति है। और ये पहले पूजा पद्धति से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग हिंदुओं में भी तो भगवान को ना मानने वाले हैं। अपने इंटरव्यू देते समय मैंने भी आपका परिचय कांग्रेस नेता ही आज भी किया है, और आपने अपने गले में मुझे लगता है शायद कांग्रेस का ही आई कार्ड रखा हुआ है। ये कांग्रेस का आई कार्ड है, ये तो आप लगता है गांधी घराने वाले छीन लेंगे। नहीं, छीन लेना है तो कम से कम छीनते वक्त जो कागज हमको थमाएंगे एक्सपल्शन ऑर्डर, उसमें लिखे कि गांधी जी के उसूलों पे चलने के लिए और परिवारवाद के खिलाफ बोलने के लिए ये छीना जा रहा है। जैसे पटेल को छीनते वक्त उन्होंने नहीं कहा ये सब अधिकार उनका, जैसे सीताराम केसरी का अधिकार छीनते वक्त नहीं कहा, कम से कम इस शहजाद का अधिकार शहजादा छीनता है तो कम से कम ये लिख दे। आज के बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि सीताराम केसरी को तो उठा के रख दिया था। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, रूम में बंद कर दिया था। 70 साल में किसी दलित को प्रधानमंत्री बनाया है इन्होंने? ये लोग बात करते दलितों की, परिवार से ही बन सकता है प्रधानमंत्री ना, दलित को बनाया है इन्होंने, ये दलित हितैषी है ना, तो इन्होंने बनाया है। आप बताओ, ये किसी की इज्जत नहीं करते। इन्होंने बाबू जगजीवन राम के साथ क्या बर्ताव किया, उनके बेटे के साथ क्या बर्ताव किया, ठीक है। और ये इतिहास में इन्होंने जो पटेल साहब के साथ किया, ये DNA में है इनके। कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करना, इमरजेंसी के तौर तरीकों पे चलना, आवाज को दबाना, और ये कौन लोग है, यशवंत सिन्हा बोलते हैं ना, तो उनके लिए ताली बजती है हमारी पार्टी में। और हम अगर अपनी पार्टी की परिवारवादी व्यवस्था के खिलाफ बोलते जो संवैधानिक नहीं है, जो मॉरली करेक्ट नहीं है, तो आपने हमें 3 बजे तक कल तक क्या कहा कि आप कांग्रेस के सदस्य नहीं हो, 3:01 हुआ तो बोले अरे तुम तो कांग्रेस ही हो, तुम नामांकन क्यों नहीं भरने आए। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, पहली बार एक ऐसा कोई कांग्रेस का फेस सामने आने में कामयाब हुआ जिसको मीडिया ने भी पूरा वैल्यू दिया, जबकि मीडिया इस वक्त बहुत बिजी है इलेक्शन वगैरह में, लेकिन फिर भी आपको पूरी स्पेस मिल रही है। और कांग्रेस के कई लोग, मेरा जो हम मीडिया वालों के कारण हमारा जो परिचय है, वो कम से कम दबी आवाज़ में कह रहे कि यार पूनावाला का साहस हम कर नहीं पाए, लेकिन उसने सही किया। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक बहुत बड़ा परिवार जुड़ा है, ये परिवार नहीं, इसके लिए तो मेरे भाई वफादार है, पर मेरे पास जो वफादारी मेरे परिवार की है वो उन लोगों की 65% आबादी इस देश की 35 के नीचे है। वो कोई चाय वाला है, कोई रेड़ी वाला है, कोई कचरा उठाता है, कोई गरीब से गरीब इंसान है, कोई नौकरी कर रहा है, उसके बाप दादा भाई बहन का कोई परिवार का किसी को नहीं पता। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, समर्थक भी है, वोटर भी है। वो मुझे फ़ोन कर करके, हज़ारों फ़ोन आए हैं, और उन नेताओं के भी फ़ोन आए हैं जो शायद मेरे साथ बातचीत करते हैं, उनको पता भी है कि वो मेरे साथ बातचीत करते हैं, उनको पता भी है कि उनकी बातें बाहर आई है नहीं आई है, जो भी है वो भी है, और वो कह रहे हैं कि ये जो बातें हम नहीं कह सकते थे तुमने कह दी, और 18 तारीख के बाद हमें शायद और हिम्मत आ सकती है।
तो क्या मतलब राहुल गांधी से क्या क्या आपत्ति है? मैं आज के इंटरव्यू में सारी चीजें एक साथ एक पैक में लोगों के सामने रखना चाहूंगा। राहुल गांधी से मेरी कोई आपत्ति नहीं। चवन के साहब, राहुल गांधी आज भी अध्यक्ष बनने चाहिए, मैं ऐसा कहता हूँ, पर दो मेरे शर्त। दो शर्त। राहुल गांधी चुनाव से अध्यक्ष बने, ये औरंगजेब से का बेटा फिर बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, ताजपोशी से ना बने। ताजपोशी से बनना है वैसे तो कल नामांकन नहीं ले जाना चाहिए था, ताज ले जाना चाहिए था। और दूसरी आपत्ति मेरी ये है कि राहुल गांधी राहुल होने की वजह से बने, गांधी होने की वजह से ना बने। क्योंकि अगर आप चुनाव दर चुनाव दर चुनाव हारते हो, 2012 में वो चेहरे थे यूपी इलेक्शन के, 150 रैलियां की, ऐतिहासिक हार, उनको फिर भी प्रमोशन उनकी माताश्री ने दिया। हारने पर प्रमोशन पहली बार मिलता है। आपके आपका प्रमोशन कभी हुआ है हारने पर? मेरा तो नहीं हुआ है, पर उनको 2013 में वाइस प्रेसिडेंट बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने 2014 का ऐतिहासिक हार, 44 पे ऐतिहासिक हार, फिर भी प्रमोशन मिल रहा है उनको, इतने स्टेट इलेक्शन हारे। तो ये प्रमोशन होना, जब आप परफॉर्मेंस नहीं देते हो, इसका मतलब है काबिलियत पे नहीं बन रहे आप, अपने बाप दादा के नाम पे बन रहे हो। काबिलियत से हटके ये कबीले वाली पार्टी बन गई। वाह, अच्छा शब्द निकाला आपने। और कबीले वाले तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं ना, आपकी सुरक्षा को लेकर भी तो धमकियाँ आती रही होगी। मैंने आपके कुछ ट्वीट देखे, उसके ऊपर कमेंट खुलेआम कुछ लोग धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं, जो कल तक हमसे कहते थे कि भाई हमारे कार्यक्रम में आ जाओ, वो कह रहे हैं कि इसको इसको जो है सबक सिखाया जाना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप से तो निकाल ही दिया, वो तो छोटी बात है। अरे जब पार्टी का ही नहीं रखा इन लोगों ने। और मुझे तो कुछ लोग कह रहे थे, मैं तो जाना चाहता था कांग्रेस दफ्तर, मैं कांग्रेस दफ्तर जाना चाहता था। एक शुभचिंतक जो है वहां के, उन्होंने मुझे दो चीजें बताई। एक तो बताई कि आप ये बाहर कर दो, कांग्रेस के इंटरनल शुभचिंतक ने, कि डमी कैंडिडेट ये लोग तैयार कर रहे हैं। कल मेरे ट्वीट करने के बाद इन्होंने कैंडिडेट का प्लान वापस ले लिया, वरना ये दिखाने की फिराक में थे कि चुनाव हो रहा है। और दूसरी बात जो है, इन्होंने मुझे कह दी कि आप देखो सफदर आशमी के साथ जो हुआ, इसमें इशारे में बात समझने वाले समझदार लोग होते हैं। मैंने इसीलिए वहां पे जाकर काम करने का कार्य नहीं किया, पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो लोगों का अधिकार जिसको वंचित किया है इस व्यवस्था ने, इस फर्जी रिगिंग इलेक्शन सिस्टम से, वो लोग मुझे कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग भी जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे, और जनता के कोर्ट में दिल्ली से लेकर अकबर रोड के सिंहासन को भी खाली कराएंगे, अमेठी के सिंहासन को भी खाली कराएंगे। एक बात इसमें समझ में ये भी आनी चाहिए कि कांग्रेस में विद्रोह भले आपने किया हो, इसके पहले और भी कुछ लोगों ने, सोनिया गांधी जब बन रही थी तब राजेश पायलट से लेके बाकी लोगों ने भी किया था, जितेंद्र प्रसाद जी ने भी किया था, वो बड़े बड़े नाम थे, उन लोगों ने भी विरोध किया था। इस बार उतना बड़ा नाम, आप तो महाराष्ट्र के कांग्रेस के सचिव थे जी, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर लोग कांग्रेस में हैं, उनमें से किसी ने क्यों नहीं किया? जैसे दिग्विजय सिंह जैसा कोई बड़ा नाम, कपिल सिब्बल जैसा बड़ा नाम, ये मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी आज पार्टी नहीं है, जैसे मनीष तिवारी ने कहा, ये एक प्रोप्राइटरशिप है, पर मैं उनके शब्दों को थोड़ा और बदल के मैं कहूँगा ये कबीलों की पार्टी है। सबसे बड़ा कबीला गांधी परिवार का है। प्रणब मुखर्जी ने एक बार इसके खिलाफ किया था, वो बाहर भी गए थे, इसलिए वो प्रधानमंत्री बन भी नहीं पाए। पर आज प्रणब मुखर्जी खुद, इन्होंने अपना छोटा कबीला शुरू कर दिया, जिसमें शर्मिष्ठा जी भी है और उनके बेटे भी। कबीलों की क्या पहचान होती है? डायनेस्टी तीन चीजें करती है, एलिमिनेट करती है, कुछ इनके परिवार में एलिमिनेट हो चुके हैं, या कोऑप्ट करती है, मतलब आप, मैं बड़ी डायनेस्टी, तुम छोटी डायनेस्टी चलाओ, हम दोनों अपनी दुकान चलाए, या खरीद लेती है। तो कई लोग खरीद लिए गए हैं, कई लोग कोऑप्ट किए गए हैं, और कई लोग एलिमिनेट किए गए हैं। अब जो बच गए हैं नॉन डायनेस्ट, वो देख रहे हैं कि भैया एक आवाज़ उठी। देखो, एक बड़े से राक्षस को मारने के लिए भी एक ही तीर चाहिए, दो तीर की जरूरत नहीं। मैंने तीर छोड़ दी है, वो तीर लगने वाली है, और उसमें जो लोगों को वानर सेना का किरदार निभाना है, समय दीजिए, आएंगे, वानर सेना भी आएगी। वानर सेना ने श्री राम जी का समर्थन नहीं छोड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे तो इस बार यही लग रहा है कि कोई बड़ा नाम आए बगैर ही आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाएगा। राम जी तो अकेले लड़े, पांडव अकेले लड़े, तो पांडव जब थे पांच थे। डायनेस्टी कौरवों की बहुत बड़ी सेना है, पर हमारे पास उनकी सेना में से जो हमारे लिए काम करने वाले लोग भी है। लेकिन इनके पीछे तो लोग कहते हैं कि इटालियन माफिया से लेके बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इनको भारत सरकार भले किसी की भी हो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी के मामा तो इटालियन है ना,
नहीं इसके देखो ऐसा है ना कि जब आपके पास काबिलियत ना हो, जब आपके पास चुनाव दर चुनाव हारते हैं आप, आपके पास मतलब जन समर्थन नहीं है। कल मणिशंकर हमसे कह रहे थे, मणिशंकर अय्यर, लाखों लाख लोगों ने कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी को चुना है। हाँ। मैंने उनसे कहा मणिशंकर अय्यर जी, हाँ। ये चुनाव के समय लाखों लाख लोग कहाँ चले जाते हैं? उनको तब भी तो वोटिंग करने के लिए नहीं होते। अच्छा, राहुल जी जब चेहरा बन के जाते हैं, अब निकाय चुनाव हुए तो वो लाखों लाख लोग नहीं होते, चुनाव इनका जो पार्टी में फर्जी हो रहा है उसमें लाखों लाख लोग, तो इनके पास जन समर्थन तो है नहीं, वरना काबिलियत के आधार पर बनते तो मैं सलाम करता ना। इतने लोग हैं, मुझे किसी के सरनेम से प्रॉब्लम नहीं है, इतने लोग हैं सरनेम से भी है, वो काबिलियत के आधार पर नहीं। इनका सरनेम भी तो फर्जी है, ये गांधी कहाँ है? नहीं ये तो इतिहास जानकार जो है वो आपको और उसका उनका चलते चलते में उनको आप शामिल कर, राहुल गांधी को ही पूछो बिल्कुल। पर हाँ, उनका तो नाम फिरोज गांधी से आता है, उनका नाम महात्मा गांधी से नहीं आता, ये तो देश को पता है। अब किसी को बरगलाने का काम हो रहा है तो गलत है, पर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आपने जो सवाल पूछा, तो इनके पास जन समर्थन तो है ही नहीं, रिगिंग करके ये लोग जो है अकेले अकेले जो है ताजपोशी में भी अकेले अकेले लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर शहजाद आ गया शहजादे के खिलाफ तो ताजपोशी भी हार सकते हैं, और इनके पास जो है तरीके यही है माफिया तरीके के कि साइलेंस करवाना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कल परसों जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, मैंने उनकी तकरीर आज तक पूरी वो तकरीर सुनी नहीं है, गुजराती में बोला है उन्होंने, मुझे टाइम भी नहीं मिला है और मुझे ना उससे गदगद होने वाली बात है ना मुझे दुखी होने वाली। गुजरात भी, गुजराती भी है ना? मेरी माँ और मेरा जो परिवार है एक टुकड़ा उसका गुजरात से ही आता है, मेरी कम्युनिटी भी गुजरात से आती है, तो हमारे घर में आज भी गुजराती ही बोली जाती है। मैंने गुजराती आवे हूँ बोलू पंचो, मैंने आवे पंचे मी मराठी पण आहे, माझी मराठी पण चांगली आहे, हां आणि हिंदी पण आहे, इंग्लिश पण आहे, हिंदी पण। तो राहुल गांधी को तो इतनी भाषा तक नहीं आती, भाषा में भी राहुल गांधी से ज्यादा उनको शायद कोई विदेशी भाषा आती है, मुझे नहीं आती। नहीं उनके पास भी दो तीन भाषाओं का है ज्ञान उनको, इटालियन होगी वो तो उनके घर में जो बोलते हैं वो सुब्रमण्यम स्वामी को पता है, मुझे नहीं पता। पर मैं किसी के घर में देखता भी नहीं। मैं क्या आपसे कह रहा था, देखो मैं प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का कट्टर विरोधी, कट्टर। आज सुबह भी अगर आपने मुझे उठा के बोला कि इस नीति के बारे में बोलो तो मैं विरोध करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने एक मन से मेरे बारे में बोला, मैं उनका कार्यकर्ता नहीं हूँ। ये लोग जो है जिसके 10 साल मैंने सेवा की शहजादे की, इससे मैंने 6 साल टाइम मांगा, इसको मैंने 2 दिन पहले फोन भी किया, इसके सेक्रेटरी ने मेरे मुंह पे फोन बंद कर दिया, मुझे बेइज्जत किया, जैसे सरदार पटेल का किया होगा वैसे किया। और मैं सवाल मेरे मन में आया कि ये लोग यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी के लिए तालियां बजाने वाले लोग अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को बेदखल कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हम आंतरिक लोकतंत्र और लोकतंत्र के लिए है, वो फांसीवादी है। भाई तुम अपने घर के अंदर इमरजेंसी लगाते हो, घर के अंदर मतलब कांग्रेस के अंदर इमरजेंसी लगा के काम करते हो, तुम देश में आए तो तुम कहाँ इमरजेंसी लगाओगे फिर से गुजरात में, इमरजेंसी लगाओगे दिल्ली में फिर से? या अगर तुम लोकतांत्रिक सही मायनों में हो तो शहजाद को शहजादे की बात करने में क्या प्रॉब्लम है, शहजादे व्यवस्था के बारे में बात करने में क्या प्रॉब्लम है, क्यों घबरा गए आप? ये सवाल बिल्कुल। अच्छा एक इसका टेक्निकल पार्ट भी कोई आपके पास स्ट्रांग है कि कैसे आपके पार्टी का संविधान क्या कहता है, क्योंकि ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। राहुल गांधी के पहले सोनिया हुई, पहले राजीव हुए, उसके पहले संजय गांधी थे, इंदिरा थी, नेहरू थे, ये तो ऐसे ही होता है ना। देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, मैं आपको पहले बता दूं, कई लोग मुझे एक कुतर्क ये दे रहे हैं कि यार दूसरों के देखो क्या हो रहा है, दूसरों में भी तो ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। अरे भाई मेरा घर जल रहा है सुरेश जी, मेरा घर कांग्रेस जल रहा है, आप मुझे इसमें सांत्वना दे रहे हो कि देखो वहाँ के दूसरे के घर में आग लगी है, भाई मैं मेरे घर की आग बुझाऊंगा? बिल्कुल। अच्छा मेरे घर के आग में क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। मेरा संविधान जो मेरे पास कॉपी पड़ा है, अच्छा कांग्रेस का, कांग्रेस के संविधान की है आप, ये तो इतने बड़े पेजेस का संविधान ही कांग्रेस। सर मैंने तो पढ़ा भी है, अभी कई लोगों ने पढ़ा नहीं, ये तो खुल राउत ने नहीं बना होगा, पढ़ा जो मानते नहीं है वो नहीं पढ़ते। 45 पेजेस का है, जो मानते नहीं है वो नहीं पढ़ते। हाँ वो क्यों पढ़ेंगे, तो मैं इसमें बोल दे वो संविधान है, संविधान तो यही है, तो फिर ये लिख देना चाहिए। अब इसमें लिखा है कि जो चुनाव होना है ना अध्यक्ष का, उसमें डेलीगेट नाम के वोटर वोट करते हैं। डेलीगेट ऐसे नहीं है कि सुरेश जी को अच्छा लगा तो डेलीगेट बन गया, शहजाद को अच्छा लगा, अजय माकन को अच्छा लगा तो डेलीगेट बन गया। डेलीगेट का बकायदा चुनाव सीक्रेट बैलेट से बूथ लेवल का कार्यकर्ता करता है, बूथ छोटे से, वहीं तो उसकी आवाज़ सुनी जाती है। अब मेरे पास सबूत आए 27-28 नवंबर को कि ये डेलीगेट का जो चुनाव नहीं हुआ चयन हुआ। चयन दिल्ली में कैसे हुआ, 280 डेलीगेट बने जिसमें मनमोहन सिंह भी थे,
उसमें डेलीगेट जेपी अग्रवाल, मुदित अग्रवाल, रागिनी नायक और उसका पति, किसी का बेटा, किसी का दामाद, किसी का भाई, किसी का नानी, किसी का बेटा, ऐसे बनाया। बड़ा कबीला, छोटा कबीला, छोटे कबीला, छोटे कबीले ने और छोटे कबीले को बना दिया ऐसे ही। मतलब और किसने बनाया? अजय माकन। अजय माकन कौन है? राहुल गांधी के बाद अगर चुनाव हारते भी के बाद भी प्रमोशन किसी का होता है तो अजय माकन नंबर टू पे है। राहुल गांधी ने अजय माकन पे हाथ रखा, अजय माकन ने बोला सर मैं आपके लिए 280 डेलीगेट ढूंढ के लिया हूँ, वो आप ही को वोट देंगे, ये 280 नाम फाइनल। इसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी जारी कर दी एक डेलीगेट की कि उसने कहा कि नहीं सर चुनाव कहाँ हुआ, आप क्या बात कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं चुनाव होता है इस पार्टी में। आचार्य प्रमोद डेलीगेट नहीं है, आचार्य हमारे 2014 के लोकसभा के कैंडिडेट थे, वो तो सारे अंदर बाहर की बात जानते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो हो रहा है ये फिक्स्ड मैच है। मनीष तिवारी ने बहुत इंटरेस्टिंग बोला, रिग्ड इलेक्शन के बारे में बात करोगे ना तो पार्टी से बाहर कर दी जाए, सबको दिल में पता है कि चुनाव होता नहीं, ये सीक्रेट बैलेट बताया हमको। तो ये डेलीगेट बने नहीं है। अब डेलीगेट जब बने नहीं है तो मैं चुनाव लड़ूंगा कैसे? वोटर आपने अपने लोगों को बनाया है, मतलब इनको जो मूछे वाला अच्छा लगा तो मूछे वालों को वोटर बनाया और बोल रहे कि मूछ वालों को वोट देना है। अरे भाई जो नॉन मूछ वाले हैं उनको फिर तो आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते ना। तो ये फर्जी सिस्टम है, मुझे और उसमें भी आपत्ति नहीं। मेरी आपत्ति क्या है कि आप उसको चुनाव कहते हो। हाँ, आप मतलब लिख दो ना कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो कांग्रेस घराने का मैं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपके सामने एक चीज कह रहा हूँ कि संविधान में जैसे राजीव त्यागी इनके प्रवक्ता अधिकृत, इसने 10 दिन पहले कहा कि अगले 10 नहीं 20 नहीं 100 साल तक गांधी ही रहेगा अध्यक्ष, और ये नॉमिनेशन के पहले कह दिया। और अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत प्रवक्ता का बयान खंडन नहीं किया। मनीष शंकर अय्यर ने भी कहा कि माँ और बेटा ही अध्यक्ष बन सकते, अधिकृत रूप से कांग्रेस ने खंडन नहीं किया। ईमानदारी की बात है, मैं सलाम करता हूँ इस ईमानदारी को। ईमानदारी से राहुल गांधी जो 2007 से कह रहे कि मैं डायनेस्टी खत्म करने वाला हूँ, वो अपने संविधान में लिख दे कि डायनेस्टी के लिए है ये पार्टी और राहुल गांधी ही अध्यक्ष रहेगा। लेकिन ये आपका जो पॉइंट है आर्टिकल 11 जी, ये तो आपको इलेक्शन कमीशन में राहुल गांधी की अध्यक्षता को सबसे बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। सर मैं तो कह रहा हूँ कि जो लोग डेलीगेट बनना चाहते थे सीक्रेट बैलेट से और वो नहीं बन पाए सीक्रेट बैलेट से, वो आपको क्या लग रहा है बैठे हैं घर पे? वो चुनाव आयोग तक जा रहे हैं, वो कोर्ट तक जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ ऐसे लोकतंत्र के प्रहरियों को भी कहूंगा कि आपको मदद करनी चाहिए इस विषय में। ये इतना स्ट्रांग पॉइंट है कि राहुल गांधी का निर्वाचन रद्द हो सकता है। निर्वाचन रद्द? अरे सर वो तो बहुत, अकबर रोड का सिंहासन छोड़िए ना, अमेठी तक का सिंहासन छीन लेंगे हम। दुर्योधन को अमेठी के सिंहासन से भी उठाने का काम हम लोग करेंगे। और मैं एक चीज करना चाहता हूँ, ये राहुल गांधी के लिए इसकी अहमियत नहीं है, इसको आप खत्म। आप कांग्रेस का संविधान फाड़ रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी के लिए फाड़ रहा हूँ ना, क्योंकि उन्होंने इसका सम्मान नहीं रखा है। तो इसका उपयोग क्या है? इसका सम्मान नहीं रखा, नामांकन ले जाने के बदले दरबारी उनके लिए ताज रखते वहाँ और ताज पहनाते तो बेहतर होता है। उधर फेंकिए मत, फेंकिए मत, नहीं हम इसको स्वच्छ भारत में अभियान में हम विश्वास रखते हैं, मैं रखने वाला था, पर चलिए इसको हाथ में रखेंगे। ये निशानी है, ये किसी को निशानी है। बिल्कुल, प्रक्रिया की हम राहुल गांधी के कारण इतना कचरा भी देश में बढ़ाना नहीं चाहते। वो तो कचरा ऑलरेडी फैल चुका है उनकी वजह से बहुत, तो और कचरा नहीं करना चाहिए। जी नहीं, तो आगे की लड़ाई में अब क्या, आगे की लड़ाई, क्योंकि अब ये तो है ना कि ये रुक नहीं पाएगा। मतलब वो अब आप कितनी भी लड़ाई लड़े, इस वक्त उनकी ताजपोशी रुक नहीं पाएगी, या उनके पास ऐसी कोई अंतरात्मा की आवाज़ नहीं है कि वो आपके चैलेंज के कारण कह देगी नहीं अब ये प्रक्रिया दोबारा करते हैं, मेरे खिलाफ़ जो फॉर्म भरना चाहे भरे। देखो ऐसा तो नहीं होगा। हमने क्या किया, हमने मौका दिया। हमने मौका किस चीज़ का दिया कि आप अपनी अंतरात्मा की, आप अपनी मोरालिटी की, आप अपने जो वैल्यू सिस्टम की आवाज़ सुनते। एक अच्छा हिंदू कौन होता है? एक अच्छा हिंदू वो होता है जो वो देखता है कि धर्म है और अधर्म हो रहा है, तो धर्म के साइड पे खड़ा होता है और अधर्म को ख़त्म करता है। मैंने आपको अधर्म बता दिया, मैंने आपको मौका दे दिया कि अधर्म के खिलाफ आप ही उठा दो तीर और कमान। आपने अधर्म की साइड को चुना, आपने रावण की तरह, आप में अहंकार है, अमेठी से अहंकार है आपका। तो मैं अब जब वो रावण है, जब वो दुर्योधन है, तो फिर किसी को तो अधर्म खत्म करने के लिए, चाहे मैं वानर सेना के रूप में ही रहूं या चाहे मैं पांडव के एक भाई के रूप में रहूं, अर्जुन की तरह रहूं, जो भी रहूं, मुझे कृष्णा का संदेश मिल गया, श्री कृष्ण का संदेश इसमें से मुझे मिल गया, तो मैं तो अब इसको खत्म करते ही रहूंगा। मैं डायनेस्टी मुक्त कांग्रेस बनाकर ही रहूंगा। बिल्कुल, लेकिन इस लड़ाई में और भी लोग आपके साथ आएंगे, वो कैसे आएंगे, कैसे आ सकते हैं? वो देखो पिछले 3 या 4 दिनों में मुझे कम से कम 10,000 से ज़्यादा कॉल और मैसेज और
लोगों ने संपर्क किया है, और मैं फेसबुक नहीं जोड़ रहा इसमें, सिर्फ जो है एसएमएस कॉल और ट्विटर जोड़ के 10,000 लोगों ने समर्थन में संपर्क किया है। फेसबुक अगर खोलूंगा और जगह पे मैं अपना फोन उठा के करूंगा तो लाखों की तादाद में होंगे। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सर आप हमारी आवाज उठा रहे, कांग्रेस में ज्यादातर कार्यकर्ता जो होते हैं ना, जो काम करने वाले लोग, वो उनका परिवार किसी का कोई नहीं है, जो मेवा खा रहे हैं ना, सेवा करने वालों का परिवार नहीं है और मेवा परिवार खा रहा है। तो मेरे साथ बल्क ऑफ द पार्टी है और इनके पास व्यवस्था है, माफिया व्यवस्था, जिससे कि एलिमिनेट कोऑप्ट कर सकते हैं। तो जब ये माफिया सिस्टम पे हम लोग हावी हो जाएंगे हम लोग, आप देखते रहना, टाइम लगेगा, कांग्रेस असली बनेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ना धर्म का आधार है, सत्य का आधार है, इसलिए भले ही गांधी घराना बहुत बड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन पहली बार कांग्रेस के किसी लड़ने वाले ने धर्म का आधार लेके, सत्य का आधार लेके लड़ाई चालू की है। यंग है आप, काबिल भी है, अच्छा बोलते हैं, मुझे लगता है कि ये लड़ाई आप जीत सकते हैं, बस इस पे टिके रहना चाहिए। नहीं, आपको मैं बताऊं इसके अंत क्या होगा, इसका अंत ये होगा, कई लोग कह रहे हैं एजेंट है किसी का, मैं कांग्रेस का ही एजेंट हूँ, हाँ, पर मैं कांग्रेस ए का एजेंट हूँ। कांग्रेस ए का मतलब है कांग्रेस असली, जो महात्मा गांधी के, असली गांधी के सिद्धांतों पे चलती है। हम कांग्रेस ए को कांग्रेस एन, कांग्रेस नकली, जो नकली चुनाव कराते हैं, उनसे मुक्ति दिलाएंगे, जो राहुल गांधी की कांग्रेस है उससे मुक्ति दिलाएंगे। इसमें जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि राहुल गांधी एज ए हिंदू इस चीज़ को समझे, लेकिन तमाम बाकी लोग, आप भी जब प्रवक्ता थे कांग्रेस के, आप लोग कहते थे कि राहुल गांधी हिंदू है, राहुल गांधी ने खुद तो कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ। अरे शर्म की बात तो नहीं है ना अपने धर्म को बताना, तो क्यों नहीं बता रहे, वो सुलझे वाले बता रहे कि मैं जेनियोधारी, हमारे राहुल गांधी जेनियोधारी हैं। अब मुझे बड़े अजीब बात है कि जो धर्म एक व्यक्तिगत मामला होता है, अगर जवाब देना, जैसे मैंने अपने ट्विटर बायो पे लिखा है, जो मैं हूँ मैंने लिखा है कि मैं इस्लाम धर्म मानता हूँ ना, तो जो है उसको आके बोलना चाहिए। अब दरबारी क्यों आके बोल रहे हैं, मतलब ये तो व्यवस्था मेरे समझ के बाहर है, पर एक चीज मैं जानता हूँ, देखो ये कहते हैं ना कि अब आजकल मंदिर वंदिर जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, जाना चाहिए मंदिर, जाना चाहिए मंदिर, जाने पे किसी को आपत्ति, दिल्ली में नहीं जाते लेकिन गुजरात में जाते हैं, वो क्यों जाते हैं वैसे, अक्षरधाम तो मुझे लगता है कि दिल्ली के करीब बहुत ज्यादा करीब। और देखो आप दूसरों को तो बोल देते हो कि आप जैन हो, आप हिंदू नहीं हो, आप फलाना हो, आप धिमकाना नहीं हो, पर खुद आके ये नहीं कहते कि मैं हिंदू हूँ और मैं जय श्री राम कहता हूँ, मैं जय बजरंग बली कहता हूँ, मैं जय शिव जी का भक्त हूँ तो मैं शिव के लिए बोलता हूँ, तो ये नारा भी तो लगाना चाहिए ना। मैं जैसे नारा लगाता हूँ इस्लाम के, मैं कुरान पढ़ता हूँ, तो आप हिंदू हैं तो आप जय श्री राम का नारा क्यों नहीं लगाते, ये टेस्ट हो गया। रणदीप सुरजेवाला अगर अगली बार आए मिले आपसे, तो उनको बोले ये सब इतना फोटो वोटो मत दिखाओ, एक बार राहुल जी से बोलो जय श्री राम बोल दो, हिंदू जय श्री राम बोलने से तो नहीं कतराएगा ना, एक बार जय श्री राम का ये तो कर दो, एक आवाज तो लगाओ, जैसे हम अजान लगाते हैं, वो जय श्री राम का आवाज तो लगाए, क्या दिक्कत है। चलिए खैर, इतनी बड़ी फिलोसॉफी विचार ये वो आप तो जानते हैं, हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी के पास ये सारी चीजें कहाँ है। नहीं, राहुल गांधी के पास क्या है मैं वही जानना चाहता हूँ। नहीं, काबिलियत है तो चुनाव में काबिलियत नहीं दिखा पाए अभी तक। अब देखो पंजाब की बात करेंगे, पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी थी, और अगर पंजाब की जीत आपकी, क्लास मॉनिटर डीसू की चुनाव जीते तो वो जीत आपकी, अरे तो भाई यूपी दो बार हारे, वो जीत किस, वो हार किसकी, वो किसकी है? ये अजय माकन जैसे लोगों ने ताज पहनाया इनको, चार कॉर्पोरेटर क्या जीत गए दिल्ली में एमसीडी के चुनाव के टाइम पे, अभी तो तीसरे नंबर पे है, चार कॉर्पोरेटर जीते तो बोले राहुल गांधी की एक दमान दी है, और जब एमसीडी में नंबर तीन पे आए तो चुप हो गए। अच्छा डूसू जीते तो राहुल गांधी, और फिर यूपी 2017 हारे तो वो हार का, तो भी हार का अकाउंटेबिलिटी में रखो। अब देखो गुजरात में 22 साल सरकार है, 22 साल एंटी इनकम्बेंसी इस देश में बहुत होती है। अब एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जीत हार होना और चेहरे की वजह से जीत हार होना, पंजाब में क्या राहुल गांधी का रोल था क्या, कैप्टन अमरिंदर का हो सकता है, या वहां की एंटी इनकम्बेंसी 10 साल अकालियों ने कैसी चलाई सरकार सबको पता है। अब आप गुजरात को भी आप जो है उसमें आप बिना मतलब घुस रहे हो, तो बिना मतलब घुस रहे, तो अगर मुद्दों पे घुसना है तो बताओ हमको आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, अहमद पटेल है, बताओ ना मुख्यमंत्री का चेहरा आदम है तो अहमद पटेल का नाम घोषित करो, क्या प्रॉब्लम है। अरे जैसे अमरिंदर सिंह का किया ना, लेकिन इन्होंने कहा एक भी मुसलमान मुख्यमंत्री कहा बनाया वैसे देखा जाए तो। अच्छा ये बहुत अंतुले के बाद कौन बनाया, 80 के बाद बनाई नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देखो कांग्रेस पार्टी अपने आपको सेक्युलर पार्टी कहती है, और मैं मानता हूँ इसलिए मैं कांग्रेस में,
हम लोगों ने, हमको क्या कहा गया कि देखो ये सेकुलर पार्टी सबकी बात करती है। मैंने एक बार लेख लिखा और मैंने इनसे पूछा कि 70 साल हो गए ना मुस्लिम कभी, अब 80 के बाद तो मुस्लिम सीएम भी नहीं बना, जम्मू कश्मीर छोड़ दे तो, क्योंकि वहाँ तो मुस्लिम मेजोरिटी तो वहाँ तो बनना ही है, पर अलग काबिलियत के आधार पे क्या कोई मुस्लिम काबिल नहीं था परिवार के कोई नौकरों से ज्यादा? मुस्लिम छोड़ो, कोई दलित आपने प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? बाबू जगजीवन राम को भी कितना बेइज्जत किया उनके बेटे, या कश्मीर में हिंदू क्यों नहीं बनाया? हाँ, कश्मीर में हिंदू क्यों नहीं बनाया? आप सेक्युलर हो ना, कश्मीर के भी हिंदुओं के लिए मैंने ही बात रखी अभी हाल ही में। मैं इनसे पूछता हूँ कि आप सेक्युलर हो, आपको कास्ट नहीं है कुछ भी, तो हर एक बार प्राइम मिनिस्टर सिर्फ गांधी क्यों बनता है भाई? कोई दलित में काबिलियत नहीं है गांधी से ज्यादा? इंदिरा गांधी बहुत काबिल नेता थी, पर उनसे उतने ही काबिल बाबू जगजीवन राम थे, आपने उनको नहीं बनने दिया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी की काबिलियत जैसे या उनसे ज्यादा काबिल दलित थे, उनसे ज्यादा काबिल और धर्म के भी लोग थे, बोल भी थे। हाँ, तो आपने, अच्छा मनमोहन सिंह की बात करेंगे, मनमोहन सिंह को इसलिए बनाया आपने क्योंकि वो आपके इशारों पे चलने के लिए तैयार है। मनमोहन सिंह तो आपने गली का RWA के चुनाव का या महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का मंडल होता है ना, उस मंडल के भी अध्यक्ष नहीं बन सकते चुन के। नहीं, देखो मनमोहन सिंह जी एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो तो वो वैसे ही जमीन के आदमी नहीं है। पर मैं आपको बताऊं, जो हमारे पार्टी में जमीन के होने का दावा करते हैं ना, उनको भी वो क्लास मॉनिटर ना जीत पाए। 10 लोगों का क्लास हो ना, क्लासरूम में चुनाव हो जाए। एक और पहलू आ रहा है मुझे, एक कांग्रेसी ने कहा, उन्होंने कहा कि क्योंकि आपके सगे भाई रॉबर्ट वाड्रा के प्रियंका गांधी के करीबी रिश्तेदार हैं, शादी हुई है, तो प्रियंका नहीं चाहती कि राहुल बने, या बने तो कोई विवाद हो और उस विवाद में एक दूसरी संभावना बनी रहे, तो आप अपनी भाभी जी को या आपकी रिश्ते में कौन लगती है वैसे प्रियंका गांधी? मैं इतने रिश्ते नातों को नहीं, फिर भी क्या प्रियंका को लाने का भी कांग्रेस में जो माहौल बन सकता है या बनाया जा सकता है वो भूमिका आपको दी गई, ये भी आरोप लगा रहा है? देखो ऐसा है कि ये मीडिया का विशेष अधिकार है कि वो स्पेकुलेट करे कि कौन इसके पीछे है। मैं आपको बता रहा हूँ ना मेरे पीछे किसका हाथ है। मेरे पीछे उन लोगों का हाथ है जिनका कोई परिवार नहीं है। पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, कल वहाँ पे ताजपोशी के समय कौन लोग नहीं थे और कौन लोग थे और कौन हमेशा रहे हैं? सुनिया नहीं थी। हाँ, वो तो आपके कारण नहीं थी क्योंकि वो तो, लेकिन प्रियंका गांधी भी शायद नहीं थी, मुझे बताया गया। मैं ध्यान नहीं देता देखो ऐसा है, दरबारियों के ताजपोशी में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो इस ताजपोशी को रद्द करने के उसमें लगा हुआ हूँ। पर आप लोग जो है अनुमान लगाइए कि जो हमेशा उनके नामांकन भरने जाती हैं उनको भी शायद लगा होगा मेरी बात में। तो मैं ऐसे, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी के भाई या बहन हो, जैसे मेरे भाई को लगता है मेरी बात सही नहीं है, हो सकता है कि उनकी बहन को लगता हो कि उसकी बात सही नहीं है उसके भाई की। मुझे उनके मन की बात तो नहीं पता ना, वो मन की बात मुझे बताएंगे तो पता चलेगा, पर मुझे जहां तक लगता है, मैंने हमेशा उनको प्रियंका गांधी के तरफ से आपको कोई अप्रोच नहीं किया गया ना रोकने के लिए? ऐसा है चवन के जी, जो बात मुझे कोई करता है, एक सिर्फ मुझे मनीष तिवारी की बात आगे करनी पड़ी क्योंकि मेरे ऊपर वो एक मजबूरी बना दी गई, मुझे विश्वल ब्लोअर बनने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, पर 10 साल से मेरे पास जो रहस्य है मेरे दिल में, इससे भी बड़े बड़े रहस्य है, वो मैं मीडिया के सामने कभी बयान नहीं करता। मेरे पास जो रहस्य मैं खोलना शुरू कर दूँ तो ये डायनेस्टी एक दिन में जो है उसको चेहरा दिखाने के लिए जगह ना। लेकिन कभी तो आपको खोलनी पड़ेगी ना सही समय पर, देखे या कभी भी नहीं खोलेंगे? कभी भी नहीं खोलेंगे, फिर तो आप लॉयल टू गांधी फैमिली आज भी रहेंगे, इसलिए आपको सही समय पे वो खोलने चाहिए देशहित में। मैं देखे, महाभारत एक जो थी वो एक एक कुरुक्षेत्र में एक बैटल लड़ी गई, वॉर। हाँ, वो वॉर के अंदर रणनीति भी होती है। क्या आपको लगता है पांडवों ने कोई रणनीति नहीं अपनाई लड़ने के लिए? नहीं, बगैर रणनीति थोड़ी युद्ध जीते जाते। तो मैं वॉर की राह में हूँ, मैं कुरुक्षेत्र में हूँ। हाँ, अब वो रणनीति का जो मेरा सवाल है, हाँ, वो मुझे बाहर करने मत लगाइए। हाँ नहीं, ठीक है, हम भी नहीं कहेंगे क्योंकि आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जरूरी है। रणनीति ये है कि औरंगजेब की तरह जो ताजपोशी हुई है तो औरंगजेब किसे बादशाह छीनने के लिए अमेठी से लेकर दिल्ली तक कार्रवाई होगी और वो समय समय पर उसकी रणनीति हमने तय की है। आप दर्शक इस वक्त करोड़ों दर्शक जो देख रहे होंगे उनमें कई कांग्रेस के लोग भी होंगे, नेता भी होंगे, समर्थक भी होंगे, और आज का इंटरव्यू तो 10 जनपद पे भी देखा जाएगा, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी तक तो आपने गांधी फैमिली को तो दे दिया। जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारी पार्टी जो 130 साल पुरानी पार्टी है उसमें किसी एक परिवार का स्वामित्व बन जाए, एक परिवार की जागीर बन जाए, ये कभी नहीं कहा गया था।
ये पार्टी आम गरीब लोगों के लिए लड़ने के लिए पार्टी थी, पर ये आज एक खास लोगों की कबीले की पार्टी बन चुकी है। मैं उस पार्टी को उस चंगुल से, उस अधर्म से हटाने के लिए और धर्म के रास्ते पे लाने के लिए मैं पूरी जद्दोजहद कर रहा हूँ, और आप में से जिनको भी लगता है मेरे सिद्धांत सही है, चाहे मेरा मौका, मेरा टाइमिंग, मेरी बाकी जो चीज़ आपको पसंद नहीं छोड़ दीजिए, मेरे सिद्धांत, मेरे धर्म के लिए मैं लड़ रहा हूँ, ये सही लगता है, तो आप तय कीजिए कि आपको धर्म के साथ रुकना है या अधर्म के साथ, आपको रावण के साथ रहना है या आपको श्री राम जी की वानर सेना में शामिल होना है। बिल्कुल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोई संदेश देंगे, जिस दिन राहुल गांधी की ताजपोशी घोषित की जाएगी उस दिन आप कोई प्रतिकार करें और लोग आपके साथ आए? ऐसा है, मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस समर्थकों के लिए, कांग्रेस वोटरों के लिए, या कांग्रेस के लिए अच्छी भावना रखने वाले किसी भी आदमी के लिए ये काला दिन। मैंने कल जो है काले कपड़े पहने थे, अगर मैं कल ये कर रहा होता तो आप मुझे काले पर, इसलिए मैंने ये काला बंडी पहना होगा, मेरे पास बहुत कलर के हैं, मैंने काला पहना है क्योंकि काला दिन होगा, क्योंकि काला दिन इसलिए होगा क्योंकि जिस पार्टी को महात्मा गांधी, टिड़क, आगरकर, गोखले, इन्होंने अपने खून से सींचा है, लोकतंत्र को बचाने के लिए और विदेशी गुलामी से हटाने के लिए सींचा था, वो आज एक गुलामी वाली मुगल डायनेस्टी की तरह, जो है ना शाहजहां के बाद ये, उसके बाद औरंगजेब, ये वाली पार्टी बन गई। गुलामी हमने इंपोर्ट कर ली विदेश से, गुलामी जिसको हमने भगाने का काम किया था, वो विदेश से, अब डीएनए में, विदेशी डीएनए से गुलामी हमारे पार्टी में आ गई। तो ये काला दिन हो गया कि एक विदेशी डीएनए की गुलामी हमारे पार्टी को के नेतृत्व पर छा गई है, और इसीलिए ये कांग्रेस नकली को मिटाने के लिए कांग्रेस असली को खड़ा होना पड़ेगा। तो ये समर्थकों से मैं कहूँगा, आप ब्लैक डीपी करने के लिए बोलेंगे? ब्लैक डीपी आप करिए, देखिए ब्लैक, आप अपना हाथ पे ब्लैक पहनिए, आप अपने जो कपड़े कुछ वस्त्र ब्लैक धारण कर लीजिए, आप ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे है तो आप उसको ब्लैक कर दीजिए अपने डीपी को। आप जैसे जब आतंकवादी हमले होते हैं तो हम लोग नहीं ब्लैक डे मनाते हैं या ये मनाते हैं और उस पर फिर डीपी चेंज करते हैं, वैसे हजारों करोड़ों लोगों को मेरा ये आह्वान है कि आप राहुल जी की ताजपोशी के दिन काला दिवस मनाइए, और काला कुछ कुछ भी काला आप उसको अपना लीजिए ताकि वो संदेश चला जाए, चाहे आपके हाथ में ही आप एक टेप काला लगा दीजिए या क्रॉस लगा दीजिए। चलिए क्विक में अभी ये है कि गुजरात चुनाव चल रहे हैं, तो वहाँ जाके आप कुछ करना चाहेंगे? गुजरात चुनाव में तो मैं पार्टी के लिए ही काम करूंगा, पर गुजरात चुनाव में मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि गुजरात की लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि लोकतांत्रिक तरीके से लोगों की बात सुनकर फैसले किए जाने चाहिए। जो पार्टी अपने या जो नेतृत्व अपने नेताओं की और अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनती है वो लोकतांत्रिक मूल्यों पे नहीं चल रही है, तो लोकतंत्र को जो विश्वास ही नहीं करते वो लोकतंत्र कैसे कायम रखेंगे। तो इस मुद्दे पर मैं लोगों को जागरूक करूंगा कि देखिए कांग्रेस तो बहुत अच्छी पार्टी है, पर नेतृत्व को लोकतांत्रिक तरीके से चलने के लिए आपको मजबूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लोकतंत्र में नहीं विश्वास रखते पार्टी के अंदर, घर के अंदर, तो वो इमरजेंसी लेकर आएंगे गुजरात, और गुजरात का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था इमरजेंसी में, मोरारजी बापू शायद कहीं, बिल्कुल वहां कैंटीन से ये शुरू हुआ था, गुजरात के एक कैंटीन में, ये देखो इत्तेफाक की बात है बड़ी, ये आपने मेरे इतिहास को मेरे उसको जागरूक कराया कि उस इमरजेंसी की लड़ाई, नव निर्माण आंदोलन जो हुआ था वहां से शुरू हुआ था। तो ये भी जो अभियान है इमरजेंसी के, कांग्रेस के अंदर जो इमरजेंसी का डीएनए है और विदेशी गुलामी का डीएनए है, उसकी भी लड़ाई गुजरात से। चलिए आपने टाइम निकाला, बड़ी बातें की, हालांकि आपको अभी बहुत आगे जाना है, और मुझे लगता है कि हर लोकतंत्र का समर्थक व्यक्ति को, वो किसी भी दल में हो, किसी भी विचार का हो, आपका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था दलों में बनी रहे। बिल्कुल, आपके इस अभियान के लिए हमारी शुभकामना है, आप यशस्वी हो और आपका ये यश इस देश के लोकतंत्र को बचाए, यही कामना। बहुत शुक्रिया, जय हिंद साथियों, जय हिंद।